नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के लाखों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे युवा जो बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं और जिन्हें बिहार में सरकारी नौकरी करनी है, आपको पता है कि 1,70,461 पदों पर बीपीएससी ने हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा को कंडक्ट कराया है और उसकी प्रक्रिया चल ही रही है। लेकिन अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है और बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4,00,000 बहाली एक बार फिर से निकलने जा रही है और जल्द ही बहाली निकलेगी। किन विभागों में निकलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। स्वास्थ्य विभाग में और बिहार पुलिस में ये बहालियां निकलने जा रही हैं, तो कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद नंबर स्वास्थ्य विभाग और बिहार पुलिस में भर्ती का आने वाला है। देखिए, मौका हम बताते हैं कब था और तेजस्वी यादव ने किस मंच से ये बातें कही है। पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के स्थापना दिवस और डायमंड जुबली समारोह के अवसर पर तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा कि बिहार में 1,75,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया के तहत परीक्षा ली गई, लेकिन इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में 4,00,000 से अधिक बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है। ये भी कहा कि हम आम लोगों के रोजगार की बात करते हैं, छात्रों के हितों की और पढ़ाई की बात करते हैं, रोजगार में ही ये सब कुछ निहित है, ये पढ़ाई जब होगी तो रोजगार मिलेगा। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही। इसके साथ ही ये भी कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ में बिहार को बदनाम कर रहे हैं, राजनीति में आने के बाद लोगों ने बोला अनपढ़ है। मैंने कहा जो होगा देखेंगे, हम तो स्पोर्ट्समैन थे, ड्रॉप आउट हो गए थे, लेकिन हम दो दो मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। लोग उस समय के सरकार को जंगल राज कहते हैं, लेकिन जब जंगल राज रहता तो हम डिग्री नहीं बनवा लेते, लेकिन प्रधानमंत्री तो हर चुनाव में अलग अलग डिग्री देते हैं और डिग्री पर सवाल उठाने वालों को जेल भेज देते हैं। अब यह भी कहा तेजस्वी यादव ने कि आज के दौर में सच्चाई को रौंदा जा रहा है। अब साफ समझ सकते हैं, तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो उन्होंने तमाम बातें कही, बीजेपी पर हमला भी किया, नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा और केंद्र की सरकार पर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े किए, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के हित की जो बात कह दी वो युवाओं को खुशी देने वाली है। बिहार के तमाम युवाओं के लिए खुशी की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने खुले मन से यह ऐलान किया है कि बिहार में 4,00,000 बहाली और निकलने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग हो या फिर बिहार पुलिस डिपार्टमेंट हो, इन विभागों में अब 4,00,000 बहाली की तैयारी है। तो जितने भी युवा बिहार में सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ऐलान करते रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की बात पहले से भी करते रहे हैं, बिहार पुलिस में बहाली की बात चल ही रही है, लेकिन इन बहालियों को कंडक्ट कब तक करा लिया जाता है, इनकी परीक्षा कब तक ली जाती है और कब तक युवाओं का सपना साकार किया जाता है, यह इंतजार का विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आश्वासन जरूर दे दिया है, कह दिया है कि आप इंतजार, अब आपका इंतजार पूरा होने वाला है और अब जो है बिहार में 4,00,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।